अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ कलर्स इन कैर से फरीहा, और आज आपको लेके आई हूँ जी, एक पार्क है यहाँ पर ब्रैंडफोर्ड में और म्यूज़ियम भी है, तो मैंने कहा चले आपको ज़रा दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आज मौसम कनाडा में बहुत अच्छा है, 20 है आज टेम्परेचर, और सुबह के तकरीबन 10:15 10:30 बज चुके हुए हैं। तो चले जी, आ जाइए, और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जी आज़ादी सबको मुबारक हो, और आज़ादी के साथ जिए और खुश रहें। तो बड़ा मज़े का ये है जी, यहाँ पर तैयब मुगल आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, बासित हैं, और जी हेलो बासित, क्या हाल है? म्यूज़ियम है जी आज बंद, क्योंकि आज है संडे, तो संडे नू होता है म्यूज़ियम बंद। और जी सबा भट्ट आ चुकी है हमारे साथ, सलाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। ए वेखो जी, जड़ी चीज़ तोड़ फोड़ के तुसी म्यूजियम बना लो, म्यूजियम बन गया। ये देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर साइकिल पे आते हैं और अपना इंजॉय करते हैं इन ट्रैक्स को, या क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैक्स भी बने हुए हैं। डॉक्टर गुलाम, वालेकुम अस्सलाम, इमरान हैं और बासित हैं जी, कह रहे हैं ठीक है आप? मैं ठीक हूँ जी, तुसी कैसे हो? बड़े दिन बाद, मेरे ख्याल से कोई 2 हफ्ते बाद या 10-12 दिन बाद मैं आई हूँ आज लाइव, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी बिजी चल रहा है सारा कुछ, टाइम बिल्कुल नहीं था। तो आज मैंने कहा जी, आज़ाद जश्न आज़ादी के साथ हम आपको जो है वो विश करते हैं आज़ादी, और फिर जो है आपको ज़रा थोड़ी सी सैर भी करा देते हैं। ये देखिए, इसकी यहाँ पर ये बैल्कनी सी बनी हुई है जहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं। चौधरी जीएम है जी, तमाम दोस्तों को सलाम और आज़ादी मुबारक कह रहे हैं जी। खैर मुबारक जी, आपको भी आज़ादी मुबारक। ये देखें जी, टी पॉट आ गया, ये इनका टी रूम है, और कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ। रिजवान, वालेकुम असलम, अब्दुल राशिद है, इन्ना सोना मौसम चल रहा सी, जो है वो क्लाउडी था, एकदम ही धूप निकल आई है, धूप नो साढ़े नाली कोई मसला है। अनिल है हमारे साथ, तहसीन है और काजी हयात है जी, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी, और अच्छा खुशियों में मनाइएगा, और ज़रा जो है वो ख्याल रखिएगा दूसरों का भी, और सबको आज़ादी मनाने दीजिएगा। जाबिद खान है और जी अब्दुल राशिद भी है, आप लोग कैसे मना रहे हैं साथ साथ आज़ादी, ज़रा ये भी बताइएगा कि क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान्स हैं। अभी तक तो काफ़ी सारे प्लान्स हो भी चुके होंगे, क्योंकि ऐसी देर हूँ, रात का टाइम हो गया है। और अब्दुल हनान 75 स्टार्स, अब्दुल हनान यू आर अ स्टार, छा गए आप जी, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और अप्रिसिएशन का। इसी तरह बाकी लोग भी काम को अप्रिशिएट कीजिए, जश्न आज़ादी मनाइए और हमें भी मनाने दीजिए। स्टार्स भेजिए स्टार्स। रिजवान है, सलाम कह रहे, वालेकुम सलाम, और काम नु शेयर कर दो, कंजूसी ना करना। मसूद अहमद है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी आपको भी। और ये देखिए जी, क्या क्या इन्होंने चीज़ें बनाई, और सानू तो एडी कोई नॉलेज नहीं है ना चीज़ों दी के बने हुआ है म्यूजियम है, और म्यूजियम के हिसाब से ये क्या बना हुआ है, किसी को पता है तो बताओ, साढ़े नाथ शेयर करो। कासिम गुजर है, तनवीर है और बिलाल खान भी आ चुके हैं, कह रहे मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, बिल्कुल जी, तुसी सारे हो ते ए पेज है, तुसी नहीं होगे तो पेज भी नहीं होएगा, असी बाय बाय कर देंगे पेज नू। इरशाद मलिक है, राजा आफाक है, और सबको जी जश्न आज़ादी मुबारक, और अल्लाह करे जी सब खुशियों में जो है इस आज़ादी को मनाएं अपना। और एमए है हमारे साथ, अशोक है, और जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहे हैं अशोक, थैंक यू सो मच आपको भी जी। और सैयद अलमदार है, और सादिक अली भी आ चुके हैं हमारे साथ, सबको वेलकम करते हैं। बड़े खूबसूरत से यहाँ पर इन्होंने जो है वो फूल भी लगाए हुए हैं। यहाँ से ही थोड़ा सा आगे जाएं तो रिवर साइड भी है, देखते हैं उस तरफ भी जाते हैं, लोग तो गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन असी जाएंगे जी वॉक करके, क्योंकि तुहानू दिखाना है तो गड्डी जावेंगे तो तुहानू दिखावांगे कैसे। अब्दुल्ला सईद है, और ये जो है ये जगह यहाँ पर, आज तो संडे है तो पार्किंग फ्री है, वैसे भी जो लिखा आ रहा था कि पार्किंग फ्री है, तो लेकिन जो भी आए तो वो फिर ज़रा चेक करके आए जी इस पार्क में पार्किंग फ्री है कि नहीं है। अख्तर अली है और सैयद खान है, सबको वेलकम करते हैं जी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, काम को अप्रिशिएट करना चाहें। नीचे स्टार्स हैं, वहां से आप लोग स्टार्स भेज सकते हो, और इस ग्रीनरी को एंजॉय करो, जैसा ग्रीन झंडा पाकिस्तान का वैसी ग्रीनरी आज आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जी, अर्चना है, हेलो जी अर्चना, क्या हाल है? तहसीन अली है, सलाम वालेकुम सलाम जी, और चौधरी जी हम तमाम दोस्तों को नेक तमन्नाएं दे रहे हैं जी। और डॉक्टर गुलाम है, कह रहे हैं ब्यूटीफुल प्लेस, हाँ जी है तो बहुत खूबसूरत, मैं खुद भी पहली दफ़ा ही आई हूँ। और गुरविंदर सिंह भी आ चुके हैं साढ़े नाल, सारे ने वेलकम कर दिया, काफ़ी जगहों पर ये इन्होंने ये प्लांट्स लगाए हुए हैं, बहुत बड़ा है, इतना तो मैं सारा पूरा बड़ा तो कवर नहीं कर सकूँगी, जो सामने आएगा वो आपको दिखाते जाएंगे, क्योंकि इतना अभी टाइम नहीं है।
थोड़ा सा टाइम के लिए निकले हैं, लेकिन देखें क्या डिपेंड करता है आप लोग कितनी शेयरिंग करते हो और कितना एंजॉय करते हो, उसके मुताबिक जो है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर और भी बड़ी सारी चीज़ें थी और अभी तक मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा किस साइड पे हैं, तो चलो देखते जाते हैं। एहसन है जी और राना सादिक है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है जी, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक और सब खुशियों में इस आज़ादी को जो है वो एंजॉय करें, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है जी। इसका अंदाज़ा जो है वो इस चीज़ को उन लोगों से पूछें जिनके पास आज़ादी नहीं है और जो मुश्किल वक्त में हैं, और जी कितना मुश्किल होता है। और हम लोग तो खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास जो है वो अपने मुल्क हैं और हम इस आज़ादी को एंजॉय करते हैं। तहसीन अली हैं जी और राना सादिक हैं, सलाम के वालेकुम सलाम। निशान हैं और तहसीन हैं, ये देखें जी प्यारे प्यारे हर जगह पर फूल, ग्रीनरी ग्रीनरी। दूसरी साइड पर चलते हैं और थोड़ा सा रिवर साइड पर भी चलेंगे। अब्दुल रजाक हैं और जी सुरिंदर सिंह भी आ चुके हैं साढ़े नाल, कह रहे हैं जी नाइस प्लेस है जी, नाइस है तो शेयर करो ना, फिर शेयर करो तो नाल कम नू अप्रिशिएट भी करो, नीचे स्टार्स ने तो तुसी स्टार्स भी भेज सकते हो, ये तुम्हारी तरफ प्यार और अप्रिसिएशन है और फेसबुक की तरफ टारगेट है। और बहुत दिन हो गए थे लाइव नहीं आई, तो बहुत सारे अब तो कॉमेंट्स जमा हो गए हुए थे कि जी ठीक है किधर गायब है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बिजी हैं घर के कामों में और थोड़ा उस वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा है। ये देखिए कितने मज़े की जगह है, यहाँ पर बैठे हैं आप अपना, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक है वो आजकल जो कि कम ही है, ज़्यादा तो मोबाइल बाजी है तो अपना यहाँ पर बैठिए और अपनी बुक्स जो है वो रीड कीजिए, नहीं करना तो अपना फ़ोन पकड़िए, यहाँ पर बैठिए या कॉफ़ी ले आइए, यहाँ पर बैठिए और इंजॉय कीजिए अपना डे। ये देखो जी क्या ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं हर तरफ, नाइस। सामने जो है वो घर भी हैं और इकबाल है हमारे साथ जी, अमरदीप हैं और सबको वेलकम करते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। विजय है हमारे साथ, चलो जी दूसरी साइड पे जाते हैं क्योंकि इधर आ गए एक भाई साहब जिन्होंने अपना कुत्ता छोड़ दिया है खुला और समझ नहीं आती इनको क्या मसले हैं, बांध के क्यों नहीं रखते। पवन है हमारे साथ जी, हेलो जी क्या हाल है। और शाकिर है हमारे पास, कह रहे हैं हैप्पी डे जी। ये देखिए जी जहाँ पर मैं आपको कह रही थी यहाँ पर बैठ के आप अपनी बुक पढ़िए। अनवर कश्मीरी हैं और किधर गए स्टार्स हमारे, कोई भी अभी तो स्टार नहीं भेज रहा, काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे आप लोग। नीचे स्टार्स हैं, काफ़ी लोगों को फ्री के भी ऑप्शन आते हैं तो वहां से स्टार्स लेके आप भेज सकते हैं। जरा ये बताइएगा आवाज़ ठीक है और जो है वो वीडियो ठीक चल रही है। मॉन्ट्रियल कब मॉन्ट्रियल जाएंगे, तुम जितनी शेयरिंग कर दे हो तो इतने पार्क तक खाने दई जड़ा ना ठीक है, जब अच्छी शेयरिंग करोगे और काम में अप्रिशिएट करोगे फिर बाकी जगह पर भी तुम्हें लेके जाएंगे। मकबूल है, रिजवान अली हैं और गुलाम अब्बास भी आ चुके हैं हमारे साथ। ये जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं जी वहाँ से तकरीबन 8 मिनट की ड्राइव पे है और काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम बंद है लेकिन ये है के पार्क जो है वो सारा टाइम ऑफकोर्स पार्क खुला हुआ है। कवर है हमारे साथ जी और मकबूल 75 स्टार्स, मकबूल अहमद यूर स्टार, छा गए आप जी, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और अप्रिसिएशन का। इसी तरह बाकी लोग भी काम नू अप्रिशिएट करो, नीचे स्टार्स हैं और वहां से आप लोग स्टार्स भेज सकते हो। पवन है और जी शाजिया बीबी भी आ चुकी है हमारे साथ, कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जी। और मोहम्मद अनस हैं जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी जी, बहुत सारी जगहों पर जो है वो आज इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, यहाँ पर भी मिसिसागा में सेलिब्रेशन स्क्वायर पे, मिल्टन में, एक और कौन सी जगह पे था, किचनर में, तो बहुत सारी जगहों पे है। ब्रेंटफोर्ड में मैंने चेक किया कि अगर यहाँ पर करीब कुछ हो तो आपको दिखा दूँ, लेकिन कुछ था नहीं यहाँ पर और क्योंकि गोरा माहौल है यहाँ पर तो इतना वो देसी कम्यूनिटी नहीं है यहाँ पर। दूसरा ये है कि आज हमारा इस दफ़ा बहुत पक्का प्रोग्राम था, यहाँ पर चलता है आज़ादी क्रूज चलते हैं। और इकबाल 100 स्टार्स, इकबाल यूर अ स्टार, छा गए आप जी, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और अप्रिसिएशन का। इसी तरह बाकी लोग भी काम को अप्रिशिएट कीजिए। 2 सालों से जो है वो मिस हो रहा था क्योंकि कोविड की वजह से सब बंद था, तो इस दफ़ा मेरा पक्का इरादा था कि हम तब तक काम ख़त्म कर लेंगे और ज़रूर जाएंगे। इस दफ़ा जो है वो आलमगीर और अमानत अली भी आ रहे हैं वहाँ पर, वो 5 घंटे का क्रूज़ चलता है, वहाँ पर बफे भी होता है और सारा आज़ादी का वो सारा सेलिब्रेशन किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हम लोग फारिग ही नहीं हो सके। आज है वो 7 बजे शुरू होना है टोरंटो में,
तो बस इस वजह से बहुत सारी चीज़ें और एक्टिविटीज़ इस दफ़ा हमसे मिस हो गई काम की वजह से। तो चलो कोई नहीं, ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो होपफुली आपको ये चीज़ें दिखा सकेंगे। इजाज़ खान है, मैंने हैप्पी इंडिपेंडेंस आपको भी जी, और आज़ादी मुबारक हो, और इस आज़ादी को जो है वो भरपूर इंजॉय कीजिए, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अब्दुल खालिक हैं, कह रहे सो ब्यूटीफुल, थैंक यू जी। शबीर मुगल हैं और अब्दुल रजाक भी आ चुके हैं हमारे साथ, कह रहे बाजी कैसे हो। बाजी ठीक है जी, भाई जी तुसी कैसे हो। शाहिद है हमारे साथ, कह रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी जिंदाबाद, और कम ने अप्रिशिएट करो जी, नीचे स्टार्स हैं, वहाँ से स्टार्स भेजते जाएं और शेयर करते जाएं। ये देखिए जी, यहाँ से ये रोड है और आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, नीचे जो है वो ग्रैंड रिवर का एरिया है। तो अभी मैं तो कोशिश करती हूँ थोड़ा सा वॉक करके आगे जाऊँ, देखूँ कि वो देखें नीचे पार्किंग भी है, मैंने ऊपर ही पार्क कर दी है। और कामरान है जी, कह रहे हैं आबा जी लाहौर से सलाम। भाई जी कनाडा तू, वालेकुम सलाम, और कनाडा तू सलाम भी कबूल करो। राना खादिम है और शबीर मुगल भी आ चुके हैं। अच्छा जी, नरी जो है हमारे साथ, मोहम्मद अनस हैं और मोहम्मद इदरीस भी आ चुके हैं, जो जो आज़ादी की मुबारक दे रहे हैं। और जी आपको भी हमारी तरफ से बहुत जो है वो जश्न आज़ादी की मुबारक, और खुशियों में मनाएं और जो है वो इंजॉय करें, और सबको इंजॉय करने दे रहा ना खादिम है। और ये ना करें कि सिर्फ जो है वो बंदों के लिए हर एक्टिविटी हो हमारे मुल्क में, ऐसा रखें माहौल कि जो है वो पूरी फैमिलीज भी आ सकें, और जो है वो लेडीज़ भी जो है वो भी अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें। क्योंकि सिर्फ बंदों का ही नहीं होता कि उनके सिरों पे काम होते हैं, औरतें भी बहुत काम कर रही होती हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि ऐसा माहौल रखें जैसा इन मुल्कों में है, कि जहां पर भी हो हर तरह के लोग, हर फैमिली, सब लोग वहां पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे मुल्कों में ये जो है ना वो है कि बस जी वो बंदों के लिए ही हर एक्टिविटीज है और हर एंटरटेनमेंट है, औरतों के लिए नहीं होती। तो जरा थोड़ा सा इस चीज को आप चेंज करें और उनको भी इंजॉय करने दें। राना सादिक हैं, कह रहे मेरी एक फ्रेंड है सारा जी। चलो जी सारा, आप उनकी फ्रेंड हैं, इंजॉय करें। अच्छा जी चलो जी, देखते हैं यहाँ से रिवर किस साइड पड़ता है। इकबाल है हमारे साथ जी, कुदरत के नज़ारे। हाँ जी थोड़ा सा देखें, गर्मी यहाँ पर इतनी ज़्यादा इस दफ़ा पड़ी है, इतनी गर्मी पड़ी है, हीट वेव रही है तकरीबन पूरा वीक रही है, और उस वजह से जो है वो प्लांट्स जो हैं वो इतनी जान ही नहीं पकड़ पाए, काफ़ी ड्राई ड्राई होते जा रहे हैं, वरना इस टाइम तक बहुत जो है वो अच्छे खिले हुए फूल होते हैं। मोहम्मद असलम है, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो। और समद खान है, यहाँ पर अभी मैंने साइकिल ली होती तो मेरे बड़े काम आती, साइकिल तो असी आंदे और अपनी जड़ा ना एक्सरसाइज भी हो जाती और तुहानू जड़ा ना नज़ारे भी दिखा देते। तलहा है हमारे साथ, कह रहे हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, कनाडा में हो जी, आप भी बहुत खुश नसीब हैं, अपने मुल्क में आज़ादी के साथ बैठे हुए, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं है। उन मुल्कों का हाल देखें जहाँ आज़ादी नहीं है। और हशाम खान है जी, मुल्क कोई भी अच्छे बुरे नहीं होते, सिर्फ जो है वो हम उनको खुद बनाते हैं। डिसिप्लिन जो है वो सारे चीज़ों को बहुत बेहतर कर देता है, इसलिए तरीके सही कर लें तो हमारे जैसे मुल्क किसी जगह पर है ही नहीं, उन जैसी बात ही नहीं है कहीं। फैसल रहमानी है जी, कह रहे हैं जी आपको आज़ादी मुबारक। आपको भी आज़ादी मुबारक जी, बहुत शुक्रिया, और काम को भी अप्रिशिएट कीजिए। नीचे स्टार्स हैं, वहाँ से आप लोग स्टार्स भेज सकते हैं। ये है जी यहाँ पर पार्किंग, और ये है फ्री, एनी टाइम आप यहाँ पर आए रिवर के व्यू को। पता नहीं, मैं खुद भी पहली दफ़ा ही आई है, मैंने नहीं पता कि अगर रिवर का केड़ा व्यू हैगा तो केड़ा नहीं हैगा। ऐ वेखो तुसी बीच में सारे, हर जगह पर आपको प्लांट्स नज़र आएंगे, हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी, और ये सारा एरिया है, साथ ही घर भी हैं बहुत खूबसूरत बने हुए। राना सादिक हैं, और आवाज़ खूबसूरत है, तो जी शेयर तो करो ना जी, शेयर तो तुसी सारे कर दे नहीं हो। अच्छा जी मुश्ताक हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं, कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो आज़ादी जी, ज़रा बताएं जी कि क्या क्या किया, घर को किस तरह जो है वो डेकोरेट किया, झंडियाँ लगाई, क्या किया। हम लोग जब छोटे होते थे तो हमें बड़ा शौक होता था कि झंडियाँ लगाएं और जो है वो कैंडल्स रात के लिए जो है वो रखें और उनको भी जलाएं, और सारा पूरा जो एरिया होता था वो सारे ये करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। सदीक अली क्यों एडी गुस्से वाली शक्ल बढ़ा के भेज दी थी, के हो गया ने। और ये देखिए जी सारा ट्रैक का इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर मैप, और यहाँ से आप जो है वो इस ट्रेल को फॉलो करके जा सकते हो। राना सादिक कह रहे हैं मैं इंडिया से हूँ जी, ठीक है जी कोई बात नहीं जी, जहाँ से भी है खुश रहें बस। नफीस हैं जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। और शोएब हैं जी,
अच्छा जी, मोहम्मद हाशिर हैं और सदीक अली भी आ चुके हैं हमारे साथ, सबको वेलकम करते हैं। ये देखिए साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं, कामरान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, और कितनी क्वाइट जगह है कि बिल्कुल बंदा आदम कोई नहीं है यहाँ पर, खामोशी खामोशी। और ट्रेल तो मैंने लग रहा है काफ़ी कोई लंबा ही है रिवर तक जान ली। वो देखिए नीचे रिवर तो नज़र आ रहा है, बट वहाँ तक जाने का रास्ता ये स्टेयर्स हैं। देखते हैं यहाँ से अगर जा सकते हैं। ये सारे इन्होंने मैप दिए हैं मेरे साथ, शोएब हैं इस इलाके में पाकिस्तानी के, नहीं इसमें नहीं है, इतने नहीं हैं। और जिस साइड पे हम लोग हैं वहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए हालांकि मस्जिद है यहाँ पर करीब ही, लेकिन इतने को मुझे लोग नज़र नहीं आए। अदीब है हमारे साथ, और जी आपको भी आज़ादी मुबारक जी। थोड़ा सा रिवर का यहाँ से व्यू है। चौधरी अली हैं, हमें भी वीज़ा लगवा दो। हाँ जी, मेरे हाथी जो है ना वीज़ा में सारे लगवा दें, पर मेरे हाथी च नहीं है। ये सारा ट्रैक है, बड़े मज़े का है, आराम से शाम को यहाँ पर आप आके अपनी रनिंग करो, साइकिलिंग करो, वॉक करो, बहुत मज़े का एरिया है। अच्छा जी, ज़ुल्फ़िकार शाह हैं, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल हैं। और जरूल भी आ चुके हैं। ये देखिए जी, यहाँ से ये बेंच भी रखा हुआ है, सामने सारी ग्रीनरी है, और यहाँ पर लोग जो हैं वो आके अपना एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए आगे और भी अच्छी मज़े की जगह होगी, लेकिन मैं ज़रा यहीं से दिखाऊंगी। फरमान अली आ चुके हैं, कह रहे हैं लाख बार को जी बिल्कुल, आपका मैसेज मैंने कल पढ़ा था कि जो है वो लाइव आ जाया करें। बिल्कुल जी आ गए हैं लाइव, और बस थोड़ी सी मसरूफियत, जैसा कि सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा ही चल रही है, थोड़ी तो नहीं, तो उस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करना। तो इंशाल्लाह जल्दी ही कल परसों तक या जो है वो उससे आगे आपको जो है जल्दी दिखाएंगे। अपना घर भी इंशाल्लाह कंप्लीट हुआ हुआ, और लोग जो है वो बोट्स भी चला रहे हैं यहाँ पर। चलो थोड़ा सा आगे जाके देख ही लेते हैं। ये यहाँ पर स्टेयर्स है जहाँ से नीचे आते हैं। इम्तियाज़ है हमारे साथ, सदीक हैं। टाइम क्या हुआ, टाइम पाकिस्तान का टाइम दसो फिर तुम दसा जी, कहड़ा टाइम है। फैज़ान है, हेलो फैज़ान। और शाजिया बीबी कह रही हैं, शाजिया अवान फ्रॉम कायद आज़म, क्या लिखा था आगे चले गया। चलो जी आपको भी वेलकम करते हैं। ये देखो बड़ी सुनसान रोड है भाई। महर यूसुफ वालेकुम अस्सलाम। और आलियान खान है, थोड़ी सर्दी इधर भी, सर्दी इधर बिल्कुल अभी बहुत शदीद हब्स और गर्मी थी, आज थोड़ा सा बेहतर हुआ है कोई तकरीबन 10 दिन के बाद, वरना इतनी गर्मी है कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते और सांस भी नहीं ले सकते। कि 35 टेम्परेचर था, लेकिन फील जो थी वो 41-42 की आ रही थी। अच्छा जी, माजिद यासीन वालेकुम अस्सलाम, नाज हैं हमारे साथ जी। और ईमान आरजू भी आ चुकी है हमारे साथ, सबको वेलकम करते हैं। ये देखिए घरों से भी बीच में से इन्होंने रास्ते निकाले हुए हैं, यहाँ इतने आओ तो सी एंजॉय करो। ए देखो जी साड़ी आ गई गुलेरी, क्या जंपे मारती भी जा रही है। माजिद है और सुफियान जाटे, कम नो अप्रिशिएट करो जी, नीचे स्टार्स ने तो तुम स्टार्स भेज सकते हो, ये तुम्हारी तरफ प्यार और अप्रिसिएशन है। और इतना खूबसूरत ये सारा जो है वो व्यू है, पर मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी, यहाँ से ही टर्न मारूँगी क्योंकि काफ़ी सुनसान है और अकेले जो है वो इतना सेफ़ नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं है, कोई जानवर निकल आए कुछ निकल आए, तो कुछ हैंडी होना चाहिए था, कोई डंडा शंडा साथ रख लेती, लेकिन मैंने पता नहीं सी कि मैं समझी संडे या रबिजी होगा रश होगा। तो तन्हा वफा हेलो क्या हाल है, जहूर है। 7:35 तो यहाँ पर 10:35 मॉर्निंग है। शोएब हैं जी, नो नहीं जी, हमारे पास 10:35 हो चुके हैं। खान नज़ाकत आ चुके हैं जी, वालेकुम अस्सलाम क्या हाल हैं। जसवान सिंह हैं। चलो जी ये देखें जी, ये सारा यहाँ से ये रिवर है, ग्रैंड रिवर, और उसकी जगह काफ़ी जगहों से, जिस तरह हमारी लेक ओंटेरियो है उसका हर जगह से ओपनिंग है, इसी तरह ये ग्रैंड रिवर की भी काफ़ी सारी जगहों से ओपनिंग है। थोड़ा सा पार्क देखते हैं, पार्क में बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी और फ्लावर से बनाई हुई, पता नहीं अभी हैं कि नहीं है, मुझे तो इतनी कोई नज़र नहीं आई क्योंकि पूरा मैंने देखा नहीं अभी पार्क, थोड़ा सा ही दिखाया है। अदीब है हमारे साथ जी, फजल की तरफ से आज़ादी मुबारक, खैर मुबारक जी, आपको भी हमारी तरफ से आज़ादी मुबारक। और काम नु ज़रा शेयर कर दो और अप्रिशिएट करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को फ्री का भी ऑप्शन आता है नीचे स्टार्स का, तो वहाँ से भी भेज सकते हैं और आप लेके भी भेज सकते हैं। ये आप लोग तरफ से प्यार और अप्रिसिएशन है और फेसबुक की तरफ से टारगेट होता है जो पूरा करना होता है। ये ले जी, यहाँ से
जो है वो ट्रेल का इन्होंने दिया हुआ है, सीधे चले जाओ, सारी ट्रेल है, आओ अपनी रनिंग करो और अपनी सेहत को अच्छा करो। रमेश हैं आज ही, राणा सादिक अली भी आ चुके हैं। एरिया कौन सा है? ये है जी ब्रैंडफिट का एरिया, और वहाँ से जो है वो आपको लाइव दिखा रही हूँ। जब मैं घर जाऊँगी डिस्क्रिप्शन में जो है वो सारा डाल दूँगी, कौन सा पार्क है और कौन सा जो है वो ये एरिया बनता है। इसरान रॉय है, जहीर है, और वहीद ने भेज दिया इग्नोरिंग यू, वाई वहीद वाई। राणा सादिक कह रहे हैं पार्क नेम, पार्क का नाम जी, एक सेकंड जी, एक तो मैं आ जाती हूँ, मुझे जहन से निकल जाता है क्योंकि इस एरिया से इतनी मैं फेमिलियर नहीं हूँ। और ब्रांड्स क्रॉसिंग लिखा नहीं हुआ पार्क का नाम, चलो देखते हैं, अगर आगे कहीं आया तो फिर आपको जो है वो पार्क का नाम दिखाते हैं। जुबारियाँ हैं और कह रही हैं जी हेलो, आज़ादी मुबारक जुबारिया, आपको भी आज़ादी मुबारक, कैसी हैं आप। और रहीम निज़ामानी हैं, गुलजमान हैं, कह रहे हैं जी वेलकम जी, दुबई से 14 अगस्त मुबारक, आपको कनाडा से 14 अगस्त मुबारक जी, आपका भी वेलकम। और शोएब हुसैन हैं, और जी स्टेट यहाँ पर प्रोविंस है और मैं ऑन्टेरियो से हूँ, यहाँ पर स्टेट्स नहीं हुए। अच्छा जी, हिना इरशाद हैं, और राणा सादिक कह रहे हैं ओके ओके राणा सादिक। माजिद हैं और कह रहे हैं जी लोग वही अच्छे हैं जो दूसरों के काम आए, बिल्कुल जी लोग वही अच्छे हैं जो दूसरों के काम आए, बात तो यही है। शोएब हुसैन हैं, और फरमान अली कह रहे हैं परी जी हाय, हेलो जी फरमान क्या हाल हैं। और ज़ुबैर हैं, सलाम से, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं। आयशा खुरम हैं, और आयशा खुरम क्या आपका क्वेश्चन था। आसिम इलियास हैं, कह रहे हैं आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक जी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया सबको आज़ादी मुबारक, काम नो अप्रिशिएट करो जी, नीचे स्टार्स हैं वहाँ से स्टार्स भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम को शेयर कर सकते हैं। ये देखें साथ पूरे घर हैं यहाँ पर, कितना मज़े का एरिया है इनका घरों का, के साथ ही पार्क है और साथ ही ग्रैंड रिवर भी है। कामरान कह रहे हैं डरे ना जी, हम आपके साथ हैं जी, बिल्कुल जी, होने कोई जानवर निकल आए तो उसी के फ़ोन ही चू मुँह कटोगे और उन्हें डराओगे या डंडा मारोगे। वसीम गुल हैं, और जी शाहनवाज हैं, और चलो जी किसका स्टार्स का बंद है, क्या लिखा आपने, मोनेटाइजेशन का स्टार के अगला स्टेप क्या होता है, और स्टार्स के बाद अगला स्टेप्स क्या होता है। साजिद हुसैन 100 स्टार्स, सज्जाद यू आर अ स्टार, छा गए आप जी, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और अप्रिसिएशन का, अरे वड्डी चढ़ाई आ गई जी, है देखो तुसी, थैंक यू सो मच। सज्जाद की तरह बाकी लोग भी काम को अप्रिशिएट कीजिए जी। हाय देयर, हाय मूसा है, और कह रहे हैं जी गुड प्लेस, थैंक यू जी, एंजॉय करो। ओए होए वड्डी चढ़ाई, चलो स्टार्स के बाद अगला ऑप्शन क्या होता है, क्या मतलब, वो आपको फेसबुक की तरफ से डिफरेंट चीज़ें आती रहती है और इस तरह कुछ नहीं होता कि एक के बाद एक आपको सेम वही चीज़ आएगी, हर एक का डिफरेंट होता है। चलो जी आगे चलें, एरो बने हुए हैं, इधर से पार्क जाओ, ये ले जी पार्क आ गया वापस। मालिक सेब कह रहे हैं आई ऑलवेज कमेंट यू आर नॉट कॉल माय नेम, अभी नाम ले लिया जी, सामने आएगा तो आपका नाम लेंगे, अब सामने ना आए तो क्या करें। अरे देखो जी कितनी चढ़ाई सी, और इंटरेस्टिंग घर है साथ, और घर के साथ ही ये देखिए डोर है पार्क में आने का और इस ट्रेल को एंजॉय करने का।
जी शोएब बेड़ियाँ पहनी हुई हैं और आपके लिए भी रखी हुई हैं, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले लें। कम से कम जब आया करें किसी पेज पे अच्छी बात लिखा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, तो अच्छी बात लिखेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे इम्प्रेस होंगे। बेड़ियाँ और ये चीज़ें, जश्न आज़ादी तुम मना रहे हो, बेड़ियाँ पहनी हुई हैं, फलाना बात हो गई, हाय आज तो हर तरफ कुत्ते। चलो दूसरी साइड पे चलते हैं। जी फरमान, मैं गायब थी, बताया आपको घर का, तो उसमें ज़रा बहुत ज़्यादा बिजी थे घर को कंप्लीट करने में, तो इंशाल्लाह अलग तरह से खैर रही तो 2-3 दिन में जो है वो घर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ, जैसा क्या पता ही आपको पाँव का भी मसला है, तो ज़्यादा फास्ट वॉक नहीं कर सकते। जी चाबियों की आवाज़ है, और ये जो अभी नया घर है उसकी चाबियाँ यूँ साथ लगी हुई हैं, तो ये जो है ये साउंड आता रहता है। थोड़े दिन है फिर हम ये चाबियाँ इंशाल्लाह जो नए आएंगे उनके हवाले करेंगे। तो छंजर का तम महमूदा है हमारे साथ। जी मैं तो दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ और बैठ के आपके कमेंट्स पढ़ूँ। ओके इतना इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा जी मंसूर आरिफ हैं दुबई, आ जाओ। ठीक है जी दुबई आ जाते जी, ए चंगी गल की तुसी। शुमाइला है, सुना है दुबई में प्रॉपर्टी बहुत ऊपर चली गई है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में। कामरान अंसारी है, इसका नाम रेस कोर्स पार्क है, बिल्कुल जी यही पार्क का नाम है, जो तुसी समझ लो वही ना है पार्क दा, रेस कोर्स समझ लो और केड़ा सी है, यू पार्क समझ लो और जिया पार्क समझ लो, जड़ा भी समझ लो, मर्जी है तुहाडी। आयशा है, आज हम कहाँ हैं प्लीज़, एक्चुअली नाम ये है जी ब्रैंडफुट में ही पार्क, और नई जगह है, नाम मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि क्या था, तो मैं ऊपर जो है वो जब लाइव ख़त्म होगी तो आपको लिख दूंगी कि कौन सा एरिया है, कौन सा पार्क है, कौन सी जगह है, तो आपको ईजी हो जाएगा सारा। मीर शाहिद है, सारे जगह का पूछ रहे हैं, लो जी दसो आज ही, इस दफ़ा ऐसी जगह का ना नहीं याद किया, तो तुझे सारे इस दफ़ा जगह का ही ना पूछ रहे हो। राना सादिक है, दुआ करना मैं भी जल्दी आ जाऊँ, आ जाओ जी तुम भी आ जाओ कैनेडा, पर कैनेडा तो फिलहाल हालात अच्छे नहीं चल रहे, मैं पहले दस देव आ गए थे फिर शौक ना हो जाना। बहुत महंगाई, इंतहा की महंगाई हो चुकी हुई है कि अभी कल परसों आई थिंक 2 दिन पहले हम लोग गए हैं ग्रॉसरी करने, तो इतना बिजी होता था कि आप कॉस्को में ख़ास तौर पे चले जाओ, इतना बिजी कि आपको इतनी लंबी लाइनों में लग के वेट करना पड़ता था, और इस दफ़ा हम गए हैं वहाँ पर कोई बंदा ही कोई नहीं, कि लोग वो अब यही एक आ रहा है कि ग्रॉसरी इतनी महंगी हो चुकी हुई है कि बहुत लोगों ने अपना बहुत चीज़ें जो है, जैसे आप गए और आपको नहीं चाहिए 10 चीज़ें, आपने फिर भी साथ उठा ली कि चलो कोई नहीं खा लेंगे कर लेंगे और जो है वो रख लेंगे इस तरह, तो अब जिसको जो चाहिए लिमिटेड चीज़ें वो वही उठा रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें कोई नहीं उठा रहा क्योंकि चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं, और इनकम आपकी वही की वही राव में मतलूब है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी शोएब के यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, राना सादी कह रहे हैं जी ग्रीन पार्क, हाँ जी ग्रीन पार्क जड़ा ना रख लो कोई नहीं, ऐ देखो कितना सोना बर्ड बनाया है इन्हें, ये मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ें थी मेरे पार्क में देखी, एक वो कैटल भी बनी हुई थी और कुछ पॉट्स बने हुए थे और इस तरह डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन अभी मुझे इतना पता नहीं है पार्क का, और ये तो मैंने लग रहा है मोर बैठा हुआ है और पीछे उसके जिस तरह वो होते हैं क्या कहते हैं पर बने हुए है ना, ओ सो क्यूट। ये देखो उमर वहीद हैं और राव मतलूब कह रहे हैं जी सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, राना सादिक है वहाँ भी इंडिया जैसा हाल है, क्या मतलब इंडिया जैसा हाल है, ये देखिए कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई है कि नहीं प्यारा, ये देखो फूल इस दफ़ा इतनी कोई जान नहीं पकड़े हैं, इफ्तखार है। और मैं अपनी रिसेंटली पिक अपलोड करूं, हाले तो मैं करा था तो डर ही जाओगे कि हाथों पे पेंट लगा और अभी तो बहुत बुरा हुलिया है, ज़रा 2-3 दिन बाद काम ख़त्म हो तो फिर आपको नहीं भी जो है वो अपलोड कर देंगे, फिर आपको दिखा देंगे
फिलहाल तो ना पूछो जी क्या हाल है हमारा। शोएब है हमारे साथ, आसिम इलियास हैं, और जी बिल्कुल ग्लोबल जो है वो है ये इशू। बहरहाल हर जगह पे यही मैं बता रही हूँ ना, जिस तरह हमारे मुल्कों में होता है इतना शोर मचाने, महंगाई होगी महंगाई होगी। हाँ है, मुश्किल है, ऑफ कोर्स जो है वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर जगह के जो हैं वो अपने तरीके होते हैं और उस हिसाब से उनके लिए मुश्किल होती है। अब जिस तरह कहे बंदा कि यहाँ पर जो है वो आप इनकम आपकी वही है, महंगाई हो गई है, आपको अब पाकिस्तान या इंडिया का तो मुझे इतना नहीं पता, पाकिस्तान का जो है वो आपके घर जो है वो फुली पेड होते हैं, आपकी गाड़ी पेड होती है और आपको वो टेंशन नहीं होती। इतने वो भी टेंशन होंदिया ने कि तुहाडा कार भी फुली पेड नहीं होंदा, वो भी तुहाडी मॉर्गेज जानी होंदी है, तुहाडी इंश्योरेंस जानी होनी है और इंस्टॉलमेंट्स जानी होती हैं। मतलब ये चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी यहाँ पर स्ट्रेस देती हैं। कामरान अंसारी है, पिंक नहीं है वो, ब्राउन है वैसे छतरी जो है। नहीं, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, और पहले आ रहा था बारिश थोड़ी बहुत, लेकिन अभी जो है वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, वो मुझे एक वो वेज नज़र आया प्लांट्स का बना हुआ, यहाँ से एकदम अभी नज़र पड़ी है। काम को भी अप्रिशिएट कर दो जी, नीचे स्टार्स हैं, वहाँ से आप लोग स्टार्स भेज सकते हो, या आप लोग जैसे प्यार और अप्रिसिएशन है और फेसबुक की तरफ से टारगेट होता है, तो ज़रा सा सा जो है वो भेज दिया करें स्टार्स भी, और शेयर कर दिया करें। शेयर अभी पूछो तो 2 शेयर हुए हुए होंगे, बिल्कुल ही कंजूस सारे बने हुए हैं। मोहम्मद साहिब हैं, आज ही खुर्शीद हैं, क्या क्या बात, आप जवाब नहीं दे दे तो रही हो भाई, हम जितने सामने आ रहे हैं एक बंदा है तो वो इतने ही जवाब दे सकता है। साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जिसमें नाम और कमेंट्स मिस हो जाते हैं, तो आप दोबारा कर लिया करें, फिर वो सामने आ जाता है बार बार करने से। आसिफ आर्यन है, सलाम कह रहे, वालेकुम असलम जी। हली रजा आ चुके हैं, वालेकुम असलम, क्या हाल है आपके, और सबको वेलकम करते हैं। और मैं इतना लाउड बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों इतना लाउड बोल रही हूँ, और पूरे पार्क में एक मैं ही मैं हूँ और मेरी चाबियों की छन छन और तो कोई है नहीं। ये देखें जी, ये मैं कह रही हूँ, मुझे तस्वीरों में कुछ नज़र आया था पार्क में, तो ये है सारी इसके एंट्रेंस, यहाँ से आते हो। और फजू लाल है, ये कौन सा जगह है, ये है जी ब्रेंटफिट। उबैद खान है, वालेकुम सलाम। जिशान है, वालेकुम सलाम। गुरदास भी आ चुके हैं जी, और खेरे मेरे वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और ये देखिए कितने प्यारे और कितनी मेहनत से ये इतने प्लांट्स लगाए जाते हैं और ये चीज़ें बनाई जाती हैं। लुक एट दिस, ये देखिए, वाह, मेहनत आप मुलायजा करें, बाकी तुसी कल छड्डो। जिशान है, वालेकुम सलाम। और जी अदीब है, वैसे नुमान की तरफ से, हैदर नुमान की तरफ से जी, आप हैदर नुमान आपको वेलकम करते हैं, सॉरी अगर किसी और का भी नाम था वो मिस हो गया है। सो ब्यूटीफुल है, देखें कितना मज़े की, ये है एंट्रेंस, और देखें मैं यहाँ से आई हूँ और मैंने नोट ही नहीं किया। और ये देखें स्टार बना हुआ है, और यूँ अंदर एंट्रेंस बनी हुई है, साथ में दो ये जो है वो वेज प्लांटर्स जो भी हैं वो बनाए हुए हैं। डॉक्टर बरकत हैं, हाफिज़ हैं, और नियाजमीन है जी, और जिशान भी आ चुके हैं। खालिद जावेद कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू जी। अली रजा है, नूर कैसी, नूर ठीक है जी, आप कैसे हो। ये देखिए है कि नहीं प्यारा, बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम जो है वो अभी फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक, तो देखो कब बारिश आती है। अरे यहाँ से तो ट्रेन भी गुजरती है भाई, चार्जर दिखाते हैं आपको, वो देखो बिल्कुल सामने से ट्रेन भी जा रही है, वाह इंटरेस्टिंग। सरताज है जी, हाफिज असगर है, हाँ जी पंजाबी आंदी है जी बिल्कुल। यहाँ देखो सामने रेलवे ट्रैक भी हैगा और ट्रेन जा रही है, चल रोड क्रॉस करते हैं, तुहानू दिखाते हैं, बड़ा मज़े का पार्क है भाई, मुझे तो पसंद आ गया। ये देखो रेलवे ट्रैक भी आ गया। सरताज है हमारे साथ जी, और शाहनवाज है। अभी असलूब, जब भी ट्रेन गुजरती है असलूब उस दिन साथ नहीं होते, वरना ये उनकी पसंदीदा ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। ये देखो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, अच्छा ये नाम लिखा हुआ है ग्लेन हैरिस नाम है इसका, और ये पार्क है यहाँ पर।
चलो ये अच्छा हो गया, यहाँ पर आने का फायदा हो गया कि बोर्ड पे जो है वो आपको पार्क का नाम नजर आ गया, ग्लेन हैरिस के नाम से ये पार्क है यहाँ पर। और ये देखिए जी वसीम है और नासिर अहमद है और जी वकास भी आ चुके हैं हमारे साथ जी, सबको वेलकम करते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। और बड़े मज़े के ट्रेन के रास्ते हैं यहाँ पर ब्रैंडफिट में, अभी यहाँ से गुजर रही है फिर रोड के ऊपर से जो है वो जा रहा होगा वहाँ से गुजरेगी और इस तरह का। ये देखें सारी कितने मज़े की ये रोड है, ग्रीन एरिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कहीं घरों के बीच में से यूँ जा रही है उधर से रास्ता है तो वो काफ़ी मज़े का ये सारा बन जाता है। अब्दुल रहमान हैं, खुर्शीद हैं और मुंतज़िर भी आ चुके हैं जी, काम का अप्रिशिएट कीजिए जी। और नीचे स्टार्स हैं, वहाँ से आप लोग स्टार्स भेज सकते हो, ये आप लोगों की तरफ से प्यार और अप्रिसिएशन है। और ये देखें जी यहाँ पर भी ये आ गया बोर्ड, ग्लेन हैरिस का गार्डन है ये, यहाँ पर ही साथ ही म्यूजियम भी है। तो ये जो पूछ रहे थे मैंने इसको जूम भी कर दिया है, साइकिल वाला मेरे गिर चक्कर लगा रहा है, उसको वो कहा कि मैंने वीडियो में ले लो। एक्चुअली यहाँ पर एक साइकिल वाला भी गुजर रहा था तो मुझे यहाँ का पता नहीं था, उससे मैंने पूछा कि किस साइड पे क्या जा सकते हैं कर सकते हैं, तो वो बाप बेटा जो है वो यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे थे तो वही होंगे। खुर्शीद है हमारे साथ जी, कह रहे हैं डन ओके जी। और मीर वली भी आ चुके हैं और जश्न आज़ादी मुबारक, आपको भी बहुत जश्न आज़ादी मुबारक जी और खुशियों में जो है वो सारे अपनी आज़ादी को एंजॉय करें। बहुत खूबसूरत फूल है, बहुत प्यारा इन्होंने ये बनाया हुआ है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं लेकिन जो है वो काफ़ी चीज़ों को खूबसूरत बना देती हैं। आप यहीं पर देखें, आप जिस तरफ ग्रास लगा देते हैं सीधे सीधे पौधे लगा देते हैं तो वो देखने में भी मज़े के ना लगते और लोगों को भी इंटरेस्ट ना होता यहाँ पर आने का, लेकिन ये जो है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा बना देते हैं क्योंकि हमारे मुल्कों में जो हमारे मुल्कों में कह रही हूँ यहाँ पर जो है वो पार्क ऐसे नहीं होते जिस तरह हमारे मुल्कों में होते हैं कि वहाँ पर जी झूले भी लगे हुए हैं और वहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं, फ्लावर्स लगा दिए, ट्रेल्स बना दी, साथ ही पानी का कुछ वो टच आ जाता है लाइक कोई ग्रैंड रिवर आ गया, कोई लेक आ गई, इस तरह के उसके इर्द गिर्द की जगह बना देते हैं। ज़रा काम को अप्रिशिएट कीजिए जी। अच्छा जी चौधरी इफ्तखार हैं, खुर्शीद हैं और फाइन केयर वाले भी आ चुके हैं हमारे साथ जी, फाइन केयर अच्छा जी ट्रैवल सिटी वाले। ज़रा बताएं जी टोरंटो टू इस्लामाबाद का टिकट कितने का चल रहा है? यहाँ पर एक प्रमोशन चल रही थी जो कि 1450 की थी, अभी मुझे मिल नहीं रही कहाँ गई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि टिकट जो है वो $1800 का हो चुका हुआ है। तो ज़रा मुझे बताएं अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है टोरंटो टू इस्लामाबाद कितने का चल रहा है। राणा सादिक हैं, मैं आपको क्या कहूँ हैं, क्या कहो तुसी मैनू फरिया नाम है मेरा, फरिया बोलो और के बोलो। देखो जी लतीफ़ है हमारे साथ और कैमरा रिजल्ट इज़ बैड, ओके चलो दूसरे पासे चले जाते हैं, बैड वाले पासे नहीं रहते हैं। और बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं जी, बहुत पुराना एरिया है जिसकी वजह से कोई 100-100 साल पुराने, 150-150 साल पुराने ये दरख्त हैं, क्योंकि आप इनके ये हाइट और ये चीज़ें मुलाहिज़ा करें। फरमान कह रहे हैं सुकून में इजाफा होता है ऐसी जगहों पर, बिल्कुल जी बिल्कुल, माइंड आपका जो है वो फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, सारा टाइम इतने कामों के झंझट होते हैं, यहाँ पर आप आए आराम से बेंच पड़े हुए हैं उन पर बैठें। कह रहे हैं अब्दुल रहमान कह रहे हैं बहन ग्रुप में शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच जी आपने कर दिया, जो उन्होंने नहीं किया उनको कह रहे हैं ज़रा शेयर कर दिया करें। शोएब क्या कह रहे हैं डायरेक्ट, हाँ जी पी आई ए कि यहाँ अगर फ़्लाइट का पूछ रहे हो पी आई ए कि यहाँ से डायरेक्ट जाती है लाहौर कराची एंड इस्लामाबाद। आने का प्रोग्राम अभी कंफर्म नहीं है लेकिन मे बी प्रोग्राम बन जाए, थोड़ा सा काम की वजह से रुके हुए हैं। तो वैसे जो है वो प्रमोशन चल रही थी टिल दिसंबर तक, तो मैंने कहा ज़रा चेक कर लूँ कि अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे से गुम गया है जो 1450 का हुआ हुआ था टिकट रिटर्न टोरंटो टू इस्लामाबाद, तो अभी जो है वो दे अभी जो आ रहे हैं वो 1800 के आ रहे हैं, तो कितने का चल रहा है। हॉरर मूवीज शूट हो सकती हैं, बिल्कुल जी हो सकती हैं, तुसी कोई करनी है आज जो कर लो इतने आगे हॉरर मूवी शूट।
यू राइट, बल्कि एक यहाँ पर जगह है और वो उस स्ट्रीट का नाम ही फॉरेस्ट स्ट्रीट नाम है, तो वो बिल्कुल आप जाओ तो आपको लगेगा कि आप किसी वाकई यू राइट के वो एक ऐसा सीन आता है कि यूँ लगता है कि आप किसी हॉरर उसमें मूवी में ही खुद भी चले गए हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े और ट्रीज हैं। मैं जब जाती हूँ गिराज सेलो में सैटरडे को, तो मुझे अक्सर जो है वो डिफरेंट जगहों पर जाने का इस तरह भी मौका मिल जाता है और चीज़ें समझ आ जाती हैं कि वहाँ से मैं गुजरती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं देखने के लिए। ज़ियाउर रहमान है, ये कौन सा एरिया है? ये है जी ब्रैंडफिट का एरिया और यहाँ से आपको लाइव दिखा रही हूँ। ज़फ़र सईद है, वालेकुम सलाम जी, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक जी, सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। क्या आवाज़ ठीक है, सिग्नल ठीक है, ज़रा मुझे साथ साथ बताइएगा। ये देखें ट्री, आप देखें कितना पुराना और इसकी जो है वो ये देखें रूट्स कितने नीचे तक आ रहे, ब्रांचेस जो है वो कितनी नीचे आ रही हैं, ये देखिए कैसा उसने शेड किया हुआ है, वाह। कामरान अंसारी हैं और जी हनीफ है और कह रहे हैं आप जवाब नहीं दे रही। अरे भाई किस तरह जवाब नहीं देता मैं, क्या करा मैं और चलो जी आगे चलते हैं। मैं तो सोच रही हूँ वो जो बेंच कहाँ गया, मेरा बेंच जिस पे मैं बैठना चाह रही थी घूम गया। ओह अच्छा वहाँ पर है। ज़ियाउर रहमान हैं और जी मुंतज़िर हैं हमारे साथ, नवीद हैं, कनाडा आना चाहते हैं जी, बिल्कुल जी कनाडा आना चाहते हैं, तो प्रॉपर उसका जो है वो अप्लाई कीजिए, देखिए किस में आप आ सकते हैं, क्या जो है वो अभी तो जो ये 2 साल गुजरे हैं पिछले कोविड के, इसमें इतने लोगों की एप्लीकेशन रुकी हैं, लटकी हैं समझो, कि अभी तो मेरे ख्याल से 1-2 साल तो इनको वो एप्लीकेशन क्लियर करने में ही लग जाएगा, अगले जो नए आएंगे उनकी बारी तो बाद में आएगी। अभी बड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया होगा क्योंकि बहुत टाइम अब लगेगा। ये आगे जी हमारे बैठने की जगह, यहाँ पर हम बैठते हैं और आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। काफ़ी पार्क की हमने आपको सैर करा दी, हो बड़े जाले हैं भाई। चलो जी सामने हैं जी फ्लावर्स, फ्लावर्स देखी जाओ। अब्दुलरहमान कह रहे यार आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है जी, बहुत शुक्रिया जी, पसंद है तो शेयर भी तो कर दो। खुर्शीद अनवर हैं, मेरा बिज़नेस क्या है, ऊपर वीडियो पिन की हुई है जी, हमारा जी घर का है होम रेनोवेशन का। मैं ज़रा शेड में बैठ जाऊँ क्योंकि मुझे सन से थोड़ा मसला है, तो उस साइड पे धूप आ रही है, ऐसा करते हैं ऐसे बैठ जाते हैं। वो देखो सामने ये पता नहीं यहाँ पर ये तालों का क्या फैशन है, ये देखिए पूरा ये भरा हुआ है तालों से, लोग यहाँ पर क्यों ताले बांध देते हैं। अच्छा जी बीबी फराह है हमारे साथ, सलाम कह रही है मलेशिया से, क्या हाल हैं आपके जी, ठीक हैं। और शोएब हैं, गर्मी बहुत है उधर भी, हाँ जी गर्मी इतनी गर्मी थी कि बाहर नहीं निकला जा रहा था, और जो है वो टेम्परेचर 30-35 था और फील जो थी वो तकरीबन 40-41 की आ रही थी, इस कदर गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत हब्स हुई भी थी। रियाज कैनी आ चुके हैं साढ़े नाल जी, के आले जी और नवीद हैं, अपना चेहरा तो दिखाओ, ये देखो सामने ये मेरा चेहरा है। कामरान अंसारी हैं, क्या नूरे खुदा अजी सिस्टर्स हैं जी हाँ, और मुंतज़र हैं, खुदा सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे जी, खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। शोएब हैं, इधर स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल बहुत आंदी है जी, तुसी लगता है नए हो पेज पे, जो पेज पे नए हैं आप लोग ज़रा पेज को साथ साथ फॉलो भी करते जाइए, ताकि जब भी लाइव आऊँ तो आपको खुद ही जो है वो प्रॉम्प्ट आ जाए, बार बार बोलना ना पड़े जी शेयर कर दो, ताकि बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर लें। तो आप लोग साथ साथ पेज को फॉलो कर लिया करें और इंस्टाग्राम को भी साथ साथ जो है वो फॉलो कर लीजिए, और लगे हाथ यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साजिद नवीद, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, राना सादिक हैं और एटमॉस्फेयर नाइस है, नाइस इस तरह है कि जी गर्मियों में यहाँ पर बहुत गर्मी है और सर्दियों में बहुत सर्दी है, दोनों मौसम बड़े एक्सट्रीम है, और लेकिन ये ओए इतने छोटू सा बर्ड है, ओ माय गॉड, ये अगर मैं जूम कर सकूँ, इतना पिद्दू, ये देखो नज़र आ रहे, और लड़ाइयाँ करनी दी देखो तुझे हर एक से लड़ाई, ना इट्स नॉट बर्ड, ये कुछ और है, बर्ड नहीं है, ये क्या लग रहा है आप लोगों को, ओहो चला ही गया, अभी मैं उसके पास गई तो चला ही जाएगा, बिल्कुल छोटा सा कुछ है, समझ नहीं आ रही क्या है ये, चलो चला गया, अगर दोबारा नज़र आया तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बताइएगा कि ये क्या है। नफीस हैं और लखन सिंह आ चुके हैं जी, बिजनेस मैन, हाँ जी बिजनेस मैन हाँ जी, या तुसी बिजनेस मैन हो
मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स लिखे हुए आते हैं ना, आपको पता ही होगा, और जितने फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से ना कोई शेयर करता है ना कुछ, के कोई और लोग जो है वो साथ लाइव आए और देखें, क्योंकि फेसबुक की तरफ से अक्सर यही रहता है कि वो जो है वो ज़्यादा लोगों को प्रॉम्प्ट नहीं जाने देता, और उस वजह से, या जाने क्या नहीं देता कि वो कुछ ना कुछ यूँ होता ही है मसला, तो लोग जो हैं वो हमें साथ साथ ज्वाइन नहीं कर पाते, बाद में आते हैं, फिर जब मेरे जाने का टाइम होता है तब आ रहे होते हैं, इसलिए बार बार आप लोगों से बोला जाता है कि साथ साथ शेयर कर दें। चलो जी, सारा उधर चला ही गया किधर, तो बह जाते हैं वापस। ये आपको इन तालों की क्या समझ आ रही है जी? ये जो ये ताले लगे हुए, ये देखो, ये सारे जो ये कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, कलरफुल चीज़ें, ये सारे यहाँ पर लॉक्स लगे हुए हैं, तो पता नहीं किस चीज़ के ये लॉक्स लगे हुए हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है किस चीज़ के लगाए होंगे इन्होंने? एक बीच में जो है वो डोर है बस, और उस पे आगे पीछे कुछ नहीं है। ठहरो, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। चंद्रकांत है जी, नहीं चिड़िया नहीं थी, कुछ और था। ये देखो, नजर आ रहे हर तरह के जो है वो ताले लगे हुए यहाँ पर, कोई लॉक वाले हैं, कोई लॉक के बगैर वाले हैं, चाबियों वाले हैं, इस तरह मिक्स जो है वो लगे हुए हैं। मैं तो यहाँ पर देख के ये चीज़ें बड़ी हैरान हो रही हूँ कि मुझे, मेरा नहीं ख्याल था कि यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें जो है वो होती हैं कि ताले बांधे हुए हैं या इस तरह की चीज़ें की हुई हैं। ज़्यादातर तो ये मंतों के ही लोग बांधते हैं, तो पता नहीं इतने गोरियां नु कड़ी मन्नत दी जरूरत पै गई है। थे शोएब है, ये लवर्स लगाते हैं, हो सकता है पॉसिबल, पर इतना उनको यहाँ पर ताले लगाने की क्या ज़रूरत है? आसिफ अली हैं, जी कामरान अंसारी हैं, और शोएब हसन हैं, और जी सबको वेलकम करते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। मैं हूँ कलर्स इन कैंसर फरिया, लाइव आज आपको लेके आई हूँ जी पार्क में, और एज़ यूजुअल पार्क का नाम असी साढ़े जाने जो फिर निकल गया। और अली रजा कह रहे हैं एक ताला मेरे लिए निकाल है, कि मैं कहाँ से निकालूँ, मेरे पास कौन सी चाबी पड़ी हुई है इस ताले की? तुसी कह किसी भेजना है जरा ना तुहाड़े लिए मैं ताला निकाल लवा, इतना कोई लवर्स या मन्नत वाले लगा के गए, ऐसे कट के तुहानू दे दिए। राणा सादिक हैं, और जी रियाज कैनी हैं, आप पाकिस्तान में कहाँ से? मैं बैरिया टाउन रावलपिंडी से हूँ जी, और ये देखिए फ्लावर्स फ्लावर्स, बहुत प्यारा मज़े का मौसम हुआ हुआ है शेड में, लेकिन धूप में जो है वो अभी भी इतनी हब्स है कि बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हालांकि सिर्फ 20 आज टेम्परेचर है, और पिछले दिनों में तो 35 रहा है, और फील जो है उसकी 40-41 की रही है। शोएब है और रफ़े हैं हमारे साथ जी, और जी अली रजा नू हूँ हासा आ गया जी इस गल ते कि मैं उन्हें क्यों दे दवा किसी का ताला। अमरुल्ला है, कुछ मनते मांग कर लगाए होंगे, पता नहीं गोरिया नु कड़ी मनता के ख्याल है, गोरिया नु कड़ी मनता दी जरूरत पैगी। और माशूक है जी, हेलो हेलो, क्या हाल है? और आयशा इनाम भी आ चुकी है हमारे साथ, सबको वेलकम करते हैं। कोई काम को भी अप्रिशिएट कर दो, नीचे स्टार्स हैं, बहुत सारे लोगों को फ्री का भी ऑप्शन आता है, तो आप लोग उनको वेस्ट ना कीजिए, आपके किसी काम के नहीं है लेकिन हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, तो ज़रूर जो है वो आप लोग स्टार्स भेज दिया करो, ये आप लोग की तरफ से प्यार और अप्रिसिएशन होता है, और फेसबुक की तरफ से टारगेट होता है जो हमने पूरा करना होता है। हमिंग बर्ड था, दुनिया का छोटा बर्ड, हाँ लग रहा था मुझे बहुत छोटू, मतलब मैंने नहीं पहले इतना छोटा ये देखा कि, और उसकी लड़ाइयाँ आप मुलाहिज़ा करते तो आप हैरान ही हो जाते कि हर एक को वो मार रहा था कि हटो, अभी दोबारा ओहो उड़ गया। नूर मैडम कैसी? नूर मैडम ठीक है जी, बिजी बिजी चल रहा है, बहुत बिजी, सुबह से शाम, शाम क्या रात, और सारा टाइम हम लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और इनके क्या रीजंस हैं ये बाद में आपके साथ सारा शेयर करेंगे, आपको बताएंगे जी क्या वजह थी कि हम लोगों ने इतना जल्दी जल्दी इस काम को पूरा किया, और ये सारा ख़त्म करने के चक्रों में हैं, तो वो सारी डिटेल और आपके साथ शेयर करेंगे। शोएब हसन है, किसी के माशूक हैं, अच्छा जी चलो जी बनने दो उनको, किसी का माशूक साडा की जा रहा है। कामरान अंसारी हैं, और खालिद हैं, कह रहे हैं क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है खालिद, क्या बात है। अली रजा है, वो बर्ड भी आपका फॉलोअर है? हाँ जी बिल्कुल मेरी फॉलोअर है, और जैसे मेरे फॉलोअर शेयर नहीं करते हैं, जो उन्होंने भी शेयर नहीं किया कि मैं नहीं सामने आना, वो नस गई थूँ। और राना सादिक हैं, और 100% लाइक्स है, थैंक यू सो मच जी। अच्छा वो तालों का कह रहे हैं। शफीक है, और कोई गोरा दिखाओ, ले गोरा क्या होगा, गोरे के कोई सींग निकले होंगे क्या होगा? गोरा उसका खाली गोरा रंग ही होगा ना, तो वो है तो वो भी ह्यूमन ही, इंसान ही है।
तो मुझे समझ नहीं आती, गोरा दिखाओ गोरी दिखाओ क्या है उनका? सिर्फ रंग ही गोरा ना, बाकी तो वो भी हमारी तरह चलते फिरते इंसान है, उनका भी ऐसा ही मुंह है, नाक है, आंखें हैं, और क्या है? या कोई फर्क लगता है आपको? रियाजुर रहमान है जी, दोहा कतर से आपको वेलकम करते हैं। तैयबा जो के सलाम, वालेकुम सलाम। जियाउर रहमान है, और मैं जी पाकिस्तान रावलपिंडी बैरिया टाउन से हूँ जी। और फरमान कह रहे हैं, अच्छा जी जरूर, मैं आपका सलाम उनको पहुंचा दूंगी। और शेर हसन है और कह रहे हैं हाय कलर्स इन कनाडा। शेर हसन हमेशा आते हैं और कहते हैं हाय कलर्स इन कनाडा। और क्या हाल है आपके? राना सादिक हैं और जी, अच्छा अली रजा को इन तालों को देख के जालसी हो रही है, जालसी। चलो जी, जब आओगे ना कनाडा ए वाला पार्क में, तुम्हें एड्रेस दे देंगे, आके इतने अपना ताला ठोक देना। तो सीवी एम एच भट्टी है, कह रहे हैं ब्यूटीफुल गार्डन, थैंक यू सो मच जी, बहुत खूबसूरत गार्डन था, अभी तो आपको काफ़ी दिखा दिया। हूँ असं थक गए, असं बह गए, गर्मी बहुत है, लोग शेयर तो कर नहीं रहे थे, असं क्या असं बह के थोड़े नाम ही पढ़ने थे, चलो गपशप इतने ही ला लीए। साजिद कह रहे हैं जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी, बहुत शुक्रिया आपको भी जी, जश्न आज़ादी मुबारक। शोएब हसन है, गोरा देखने के बारे बड़ा शौक है इसलिए गोरा देखने का, तो पाकिस्तान में कोई इंसान गोरा नहीं है, उसको देख लो समझो वो गोरा है। कशमाला है। और चलो जी बस, अभी फिर आपसे इजाजत देते हैं, ना तुसी शेयर कर रहे हो ना कम नु अप्रिशिएट कर रहे हो, ते असी क्या, चलो तुहानू जश्न आजादी मुबारक कर दईए, कर दीती। नूर को वो ताला मेरी तरफ से गिफ्ट कर दो। हाय हाय हाय, अच्छा जी, ये सिस्टर्स के लिए एक्चुअली लगा नहीं हुआ ना। राना सादिक है, मेरा सलाम, वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद इमरान है और श्रीलंका से जी आपको भी वेलकम करते हैं। राजू हैं और कह रहे हैं हेलो जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू जी, आपको भी, कल आपका भी इंडिपेंडेंस डे है। कामरान अंसारी हैं, कह रहे हैं यहाँ ताला खोलना नहीं है, ताला लगाना है। यू राइट, ताला खोलना नहीं है क्योंकि साढ़े को चाबी ही नहीं है ताला खोलने दी, जड़ा लवर है वो आके खुद ही खोलेगा, असी के खोल के किसी की बदवामा लइए है, किसको पता होगा तालों का? माली को पता होगा, यहाँ पे माली इस तरह नहीं है जी, यहाँ पर कंपनी हायर्स की जाती है और वो लोग आते हैं और यहाँ पर जो है वो ये सारा सेट करके जाते हैं, यहाँ पर एक माली नहीं लगा होता जैसे हमारे मुल्कों में होता है ना, माली सारा वो संभाल रहे होते हैं कुछ, यहाँ पर इस तरह नहीं है, यहाँ पर कंपनीज हैं। और अक्सर मैंने आपको जब उधर स्टोनी क्रीक में थी तो विनोना पार्क में आते थे, क्लीनिंग कर रहे होते थे, वो मैंने आपको दिखाए हैं, तो वो कंपनीज जो हैं वो आके ये सारा मेंटेन करती है। चंद्रकांत हैं जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी जी, कल आपका भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सैयद शाहिद हैं, थैंक यू जी, आपको भी आज़ादी मुबारक जी। सज्जाद मुगल, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अदनान चांद है, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, सबको वेलकम, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। और जी चलो जी बस, असी हुण लैंदे आ इजाजत क्योंकि बड़े काम ने हाले घर जाके, बड़े काम मुकाने ने असी, और काफ़ी हद तक काम हो भी चुका हुआ है और काफ़ी हद तक रह भी गया है। तो ऐसा करते हैं कि कोशिश करते हैं कैमरा खोल लगाएं गाड़ी में, आपको इर्द गिर्द का एरिया दिखाते, नहीं मैं लगा नहीं सकती क्योंकि मुझे नेविगेशन चाहिए, मेरे पास मुझे यहाँ से घर जाने का एड्रेस नहीं आता, 8-10 मिनट की ड्राइव है। और एम एच भट्टी कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू जी। राना सादिक हैं और चौधरी खजर आ चुके हैं, कह रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी। और जी ये देखिए जी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैंने जूम क्यों रखा है, अच्छा जूम नहीं है, वैसे ही पौधे इतने बड़े हैं, ट्रीज़, ये बड़ी खूबसूरत मज़े की जगह थी, बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ पर बैठ के गपशप लगाने का। शोएब है, यहाँ पे माली एक गाली है, अरे नहीं 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 यहाँ पर काम करना इज़ नॉट अ गाली, यहाँ पर काम करने वाले की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है कि जो है वो यहाँ पर आपको काम करने के लिए लोग मिलते नहीं हैं। और जिस तरह हमारे मुल्कों में निचोड़ा जाता है ना, जिस तरह मजदूर हो गए या ये, और वहाँ यहाँ पर उनके आप ठाठ देखें तो आप हैरान हो जाएं कि आप कहें जी मैं बेहतर सी कोई उत्थे मजदूर ही हूँ वहाँ पाकिस्तानी, तो मैं इतने आके जड़ा ना हो साफ बन जावार, और बहुत मेहनती बहुत होते हैं, काम जो है वो अच्छे स्ट्रांग होते हैं, जो हमारे मजदूर बहन बहन तो नहीं भाई जो होते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, यहाँ पर आके वो बहुत अच्छा सेटल हो जाते हैं, अगर उनको चांस मिल जाए, पढ़े लिखे हों तो फिर आ सकते हैं, फिर थोड़ा सा वरना मुश्किल हो जाता है, तो आप यहाँ पर आके बहुत अच्छा अपना जो है वो कर सकते हैं और आराम से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं।
यहाँ पर जो हैंडीमैन है, जो मजदूर हैं, लेबर हैं, ये सारे, और ये बहुत अच्छा अर्न करते हैं। नासिर है हमारे साथ। काम क्या करती हो बीबी? आए ना पूछो जी नासिर, बीबी बहुत काम कर दी है। ऊपर वीडियो देखो, और वो घर लिया है अभी, उस घर को हमने, बीबी ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। ओके बीबी, आप पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दें। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो जब पैसा होगा तो फिर ही कर सकते हैं ना। वहाँ पर तो आपको करोड़ों अरबों की गेम हो तो आप जाके कर सकते हैं। यूँ थोड़ी होता है कि आप जो है वो थोड़े से स्टार्ट ले सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट होता है ना। यहाँ पर ये यह होता है कि आप इंस्टॉलमेंट पे, मॉर्गेज पे आप घर लेते हो और आप अपना ये शुरू कर सकते हो, राइट। और वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर तो आपने पूरा लमसम पे करना है, प्लॉट का देना है या जो भी करना है, तो आपके पास फंड्स होने चाहिए। ये देखिए जी, यहाँ पर कोई इवेंट भी आई थिंक हुआ है, लेकिन काफ़ी गंद मचाया हुआ ने। थैंक यू सो मच फरमान, इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआएं नहीं तो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। शोएब हैं और वेल मैनर्स। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए जी, तितलियाँ जा रही हैं, छोटे छोटे से बर्ड्स जा रहे हैं, बड़े मज़े का पुरसकून माहौल है। फरीदा आ चुकी हैं, आपने मेरे सलाम का जवाब, फरीदा माफी, वालेकुम अस्सलाम, हमारी तरफ से भी सलाम आप कबूल कीजिए, तो कुछ शेयर भी कर दीजिए। आपके नाम के साथ तो कुछ नहीं आ रहा कि आपने शेयर भी किया है, और ज़रा स्टार्स भी भेज दीजिए, काम को भी अप्रिशिएट कर दीजिए। सारा लोड हमने आप पर डाल दिया, तुसी सानू के गिला कीता। शोएब हुसैन है जी, बिजनेस हमारा जी हाउस फ्लिपिंग का काम है, और घर पुराना लेके उसको रेनोवेट करके फिर उसको सेल करते हैं। अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया है नियाग्रा फॉल्स का, और वो हम लोगों ने सेल किया है। अब हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि हमने अभी ब्रेंटफिट में शुरू किया हुआ है। अब इंशाल्लाह देखें जी ये कब कंप्लीट होता है और इसको कब सेल करते हैं। अली रज़ा कह रहे हैं नूर अभी क्या कर रही होंगी। नूर अभी बहुत सारे काम कर रही हैं, और अभी क्या काम बाकी रह गए हैं, अभी थोड़े से बाहर के काम रह गए, अंदर तो काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है। तो अभी आई डोंट नो क्या कर रही होंगी, बहुत सारे काम हैं तो कुछ ना कुछ कर रही होंगी। ये है कि अब एक बंदा बाहर जाता है, घर में रहता है, काम करता रहता है, क्योंकि जो है वो टाइम अब हम वेस्ट कर नहीं सकते बिल्कुल भी। साथ साथ हमने सारे काम ख़त्म करने हैं। चलो जी अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। मोहम्मद राहत हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और ये यहाँ पर जो है ये म्यूज़ियम है, लेकिन आज संडे है जिसकी वजह से बंद है। कामरान अंसारी कह रहे हैं हाँ जी मैंने फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं मुझे कोई ख़ास टाइम ही नहीं मिल सका घर। नहीं ऐसा नहीं है, टाइम फ्रेम में पूरा करना पड़ता है, लेकिन इसका कुछ रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब हम लोग घर सेल करेंगे फिर आपको बताऊंगी क्या रीज़न था कि हमें एक टाइम फ्रेम में इसको पूरा करना था। तो वरना देखें नियाग्रा वाला हमने पूरा साल लगाया है, साल उसको रखा है, और उसमें साल के अंदर जो जितना कर सके उसको पूरा किया है। सफ़ीर खान है, आपका क्या हाल है कुवैत से? अच्छा जी मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? और ये देखो इतना इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। अभी थोड़े से हैं सुनसान, लोग नहीं हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कोई इस तरह जा नहीं रही। तो बड़े मज़े के ये देखो सारे ये रास्ते बनाए हुए हैं इन्होंने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोहेब हुसैन है, ट्रीज़, हाँ जी ट्रीज़ ये देखें आप बहुत ही बड़े हैं, और कुछ 100 सौ 150 साल पुराने हैं ये देखो। अभी मैंने पूरा कैमरा ऊपर ले गई हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हाउस मार्केट जो है वो बहुत अजीब हो चुकी हुई है। अभी हमें कुछ नहीं पता आगे का क्या बनना है, और ये भी नहीं पता था क्योंकि हम लोग अभी जब ये भी घर लिया तो आपको पता ही है कि हम हैमिल्टन में भी देख रहे थे, नियाग्रा में भी देख रहे थे, बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे थे घर कि हमें कहीं मिले तो, लेकिन एंड में हमें ये ब्रैंडफोर्ड वाला मिल गया था। तो इस तरह पता कुछ नहीं होता, और जैसा इसी तरह नियाग्रा वाले में भी हम लोग बहुत जगहों पर देख रहे थे और नियाग्रा में मिल गया था। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर प्राइस अच्छी है, और जो हम उसको लेके रेनोवेट भी करें तो वो सारा हमें जो है वो बेहतर पड़े, तो वो उस हिसाब से होता है। घर में काम कम तो, लेकिन घर बहुत बड़ा है और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लग जाता है। या तो होता हम सामने सामने उसके
ज़रा शोशा बना देते तो वो और बात थी, लेकिन हम लोगों ने उसको पूरा जो है वो अच्छे तरीके से रेनोवेट किया है। वो आपको जब दिखाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि थोड़े से थोड़ा भी, और करने वाले भी हम दो लोग हैं तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा चीज़ मुश्किल हो जाती है। ज़्यादा लोग हों, जैसे अभी हमारे साथ वाले घर में 4 लोग लगे हुए हैं, तो वो ये कह रहे थे हम 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, आज 15 दिन हो गए हैं लेकिन ख़त्म अभी उनसे भी नहीं हो सका, क्योंकि चीज़ें मुश्किल हैं, इतनी आसान नहीं है लगता। यूँ है ज़ियाउर रहमान है और अदीब भी हैं, वैसे वसी हैदर एंड क्या नाम था जी, हाशिम की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक आपका भी जी। वसी हैदर और हाशिम, आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। पुराने दरख्तों में जिन भी होंगे, हाँ डेफिनेटली होंगे, ये तो हो नहीं सकता कि ना हो, उनकी जगह तो हम लेते जा रहे हैं लेकिन वो भी तो है इस दुनिया में। और यहाँ पर तो मेरे ख्याल से तो इन एरियाज में तो बहुत ही होंगे, देखो जितने जाले लगे होंगे ना उतने जिन होंगे उतने लगे हुए हैं, काफ़ी सारी जगहों पर लगे हुए हैं और बहुत बड़े हैं। अदीब तो राबी कह रहे हैं जी नाम लेना मैम जी, बिल्कुल जी आपका नाम ले लिया। तो नियाज लाशारी हैं, सलाम कहने, वालेकुम सलाम हैदराबाद से। चलो जी हुण दियो मैनू इजाज़त, और थैंक यू सो मच जिन्होंने शेयर किया, जिन्होंने नहीं किया मैं तो कह के थक गई हूँ, अब बस मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई फिर भी आके बोल देती हूँ, लेकिन कर दिया करो शेयर। और थैंक यू सो मच जिन्होंने स्टार्स भेजे, थैंक यू सो मच जो साथ रहे, जिन्होंने इंजॉय किया, और जब भी आया करें अच्छी बातें बोला करें, अच्छी बातें लिखा करें, सब लोग आपको देख रहे होते हैं, अच्छी बातें लिखेंगे, लोग आपसे खुश होंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे और आपको जानेंगे, तो इसलिए अच्छी बातें लिखा करिए। देखिए क्रेयॉन्स जो होते हैं उनसे सारे ये बनाए हुए इन्होंने कलर्स, और ये है जी सामने म्यूज़ियम। अब देखो मैं जाने वाली हूँ, वैसे 100 लोग हो गए थे और अब जाने लगी हूँ तो तकरीबन 150 लोग होने वाले यही बात है, शेयर नहीं कर दे जब जान का टाइम होता है तो फिर सारे आना शुरू हो जाते। नेम खेरू हैं, सलाम कह रहे, वालेकुम अस्सलाम। और जी मलिक इजाज भी आ चुके हैं, सलाम कह रहे हैं। एमएच भट्टी हैं, कह रहे हैं अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। शोएब हैं और साजिद नवीद भी कह रहे हैं ठीक है मैम, ओके जी। चलो जी हूँ असी चले हैं अपने कार ते, बाकी उन काम करिए। और जी इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा खाने पीने का हिसाब हमारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि नान जो है वो ख़त्म हो गए, यहाँ पर रोटी बनाने का सिस्टम नहीं था तो नान ला रहे थे, नान ख़त्म हो गए। हूँ असी जाएंगे पहले नान खरीदांगे और फिर कार जाएंगे और बाकी काम करेंगे और फिर जड़ी और चीज़ें लेनी है और लैंड जाएंगे, बस यही चल रहा है। अली रज़ा कह रहे हैं मेरे को बात बुरी लगी हो, नहीं नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी, जो अच्छी बात लिखते हैं उनकी क्यों बात बुरी लगेगी, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं बीच में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पेज पे कोई भी ऐसे लोग नहीं आते और ऐसी बातें नहीं करते। तो किसी भी पेज पे जाके कोई ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी काम कर रहा होता है वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, ये ईजी नहीं होता कि अगर यूँ लगता है कि जी तुम तो सैरा कर रहे हो, फ़ोन चुकया या तो लगे हुए हो, ये भी बहुत एक जो है वो जान जोखों वाला काम होता है कि आप कैसी कैसी जगहों पर जाते हैं और इतना चलते हैं नॉन स्टॉप, आप 1 घंटा 1.5 घंटा बोलते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और अच्छी बातें लिखनी चाहिए। अगर काम को आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो अगर आपके इंटरेस्ट का पेज नहीं है तो आप दूसरों पर चले जाओ जो आपके इंटरेस्ट के हैं, जहाँ पर आपकी पसंद की बातें आपको सुनने को मिलें। तो हमारे पेजेस पे तो ऐसा ही है, हम जैसे हैं बस आपके सामने हैं और ऐसी ही बातें आपको सुनने को मिलेंगी, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, न गोरा मिलेगा न गोरी मिलेगी, सिर्फ हमारी आवाज़ मिलेगी तो चलें थैंक यू सो मच जी, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ होंगे, तब तक टेक केयर, बाय, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़। और बाद में भी काम को अप्रिशिएट करना चाहें ज़रूर स्टार्स भेजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ होंगे, तब तक टेक केयर, बाय, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।